मैं जिस हस्ती से आपको मिलवाने जा रही हूँ उनके लिए एक शेर अर्ज करना चाहूँगी। आदमी परखने की यह भी एक निशानी है, आदमी परखने की यह भी एक निशानी है, गुफ्तगू बता देगी कौन खानदानी है। चलिए अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी मिसेज इंद्रजोत कौर साहिबा जी को, जो कि एक आईएएस ऑफिसर हैं और हमारे ही शहर की जिला अधिकारी भी हैं और साथ ही साथ एक बहुत ही खूबसूरत आवाज की मालकिन भी हैं। तो दोस्तों जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मिसेज इंद्रजोत कौर जी का। हमारे प्रोग्राम में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आज आपके प्रोग्राम में आने की और आपके सामने गाना पेश करने की मुझे बेहद खुशी है। इसी मौके पे मुझे एक शायर का शेर याद आ रहा है। फिराक के यार ने बेचैन मुझे रात भर रखा, फिराक के यार ने बेचैन मुझे रात भर रखा, कभी तकिया इधर रखा कभी तकिया उधर रखा। अब आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत फिल्मी गाना पेश करना चाहते हैं। मैडम आप तो बहुत ही अच्छा गाती हैं, हमने पहली बार सुना। शुक्रिया शुक्रिया, आपको पसंद आता है, मुझे अच्छा लगता है। मैडम आप तो गलत लाइन में आ गई हैं, आपको तो सिंगर होना चाहिए था, वो भी फिल्मों में। ठीक कहती हैं आप। मैडम ऑटोग्राफ तो दे दीजिए प्लीज। मैम हमारी कॉलोनी में भी प्रोग्राम होने वाला है तो आप आएंगी ना? आप बुलाइए, जरूर आऊंगी। अरे हटिए हटिए, मैडम के सामने भीड़ मत लगाइए, चलिए चलिए। मैडम आइए, कार तैयार। प्लीज मैडम, मुझे कुछ कहना था। बोलिए।
वो कल मैं आपसे बंगले में मिलना चाहता हूँ। जरूर जरूर आइए। किस टाइम मिल लूँ? आप 12 बजे के करीब आ जाइए। 12 बजे? जी मैं आ जाता हूँ। आइए तशरीफ लाइए। अरे जीवनलाल जी। मैडम नमस्कार। मैडम नमस्कार। आइए बैठिए बैठिए बैठिए। कहिए कैसे आना हुआ? जी मैडम, कल तो आपने अपनी आवाज से स्टेज को लूट लिया। शहर में और समाचार पत्रों में बस आप ही की चर्चा है। बस ये आप ही के कारण तो हुआ है। नहीं नहीं, वो आपके अंदर हुनर है। वो बोलिए। वो जो अपना छोटा बेटा है, हाँ जी, उसने शादी तो कर ली, हाँ, लेकिन कोई कारोबार नहीं करता। अच्छा, मैं सोचता हूँ अगर कुछ ऐसा हो जाए तो वो सेटल हो जाए। बिल्कुल। वो मैडम जी, सिविल लाइंस के पास हाईवे के करीब जो जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा पड़ा है, अगर वो अलॉट हो जाए तो बस उसमें मैं दुकानें बनवा कर उसको दे दूं। कौन सा टुकड़ा जीवनलाल? मैडम जी, वो मोटर गैरेज के पास वाला। वो टुकड़ा तो रेलवे लैंड का हिस्सा है। जी, लोगों ने आसपास बना रखा है। पुराने डीएम साहब कई लोगों को दे गए। और फिर आपके कलम में तो सुप्रीम पावर है मैडम जी। पर जीवनलाल, ये तो इलीगल होगा। मैडम जी, एक बार आपने कर दिया तो हो गया पक्का। फिर आप कुछ समय बाद दूसरे जिले चली जाएंगी, हम आपके साथ। जहां जहां प्रोग्राम होगा वहां वहां आप होंगे। सोचना पड़ेगा। ऐसा कीजिए कि आप पेपर तैयार करवाइए, फिर देखते हैं। मैं तो पहले ही समझ रहा था आपकी पावर को। अच्छा, नमस्कार। 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 प्रोफेसर पांडे से क्या लंबी चौड़ी बातें हो रही थी? कुछ नहीं, बस यूं ही। यूं है क्या? अरे भाई, डीएम साहिबा की बेटी हैं, इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो क्या हमारा रखेंगे? आप लोग अपनी चोच बंद रखेंगी तभी शायद मैं कुछ बोल पाऊंगी ना। कुछ नहीं, बस नेक्स्ट मंथ होने वाले प्रोग्राम के बारे में डिस्कस कर रहे थे बस। अरे भाई, तुम प्रोग्राम सेक्रेटरी जो हो ना, तो इस बार मुंबई से कौन कौन आ रहा है? पिछली बार तो हनी सिंह आया था ना। हाँ, मैं सोच रही हूँ कि इस बार क्यों ना हम फीमेल सिंगर बुला लें, क्योंकि हर बार तो मेल सिंगर्स ही आते हैं। मेल सिंगर तो मुंबई से बुलवाओ, फीमेल सिंगर तो घर में ही है। मतलब वो कौन है? और कौन, तुम्हारी मम्मी, आजकल वही तो चर्चे में है ना। याद रखिए कि वो डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, और अगर आज के बाद उनका नाम लिया ना तो अच्छा नहीं होगा। अरे यार, तुमने इस लड़की को ना सर चढ़ा कर रखा है। तेवर देखें इसके, लगता है जिला अधिकारी इसकी मानी कि खुद है। देखो, अगर हमारे ग्रुप किसी ने भी इस घमंडी लड़की को लिफ्ट दी तो मैं आप लोगों से बात करना छोड़ दूंगी। हेलो भैया। हेलो, क्या बात है, आज देर हो गई आने में।
आज रोड पर इतना जाम था ना, शायद कोई रैली आ रही थी। और आप बिलीव नहीं करेंगे, गाड़ी को ना साइकिल की स्पीड से लेकर आई हूँ मैं आज। क्या बात है, आजकल चेहरे पे थोड़ी रौनक और चमक कम दिख रही है। भैया मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। आओ आओ बैठो, बताओ क्या बात है। भैया आजकल सब लोग मम्मा के बारे में इतनी बातें कर रहे हैं, एक जिला अधिकारी होकर वो अपने फर्ज और अपनी नौकरी से हटकर आम लोगों के सामने जाकर गाना गा रही हैं, शोज अटेंड कर रही हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे, पूरे कॉलेज में मेरी सिर्फ यही चर्चा हो रही थी। मेरे प्रोफेसर अशोक पांडे जी वो भी यही बात कर रहे थे, मेरी कॉलेज मेट्स ने मुझे रोक कर यही सब कहा। भैया मम्मा को कैसे समझाए, बट मुझे तो शर्म आती है। तुम सही बोल रही हो, मम्मा आजकल अपने कर्तव्य को छोड़कर आम महफिलों में ज्यादा जा रही हैं, जिससे लोग उनका फायदा उठा रहे हैं, ये उनके लिए ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है, क्या डिस्कस कर रहे हो? यही कि आप एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, आपको लोगों की भलाई और अपने डिस्ट्रिक्ट की उन्नति के बारे में सोचना चाहिए, ना कि आम महफिलों में जाके अपने आप को हाईलाइट करें, जिससे लोग नाजायज फायदा उठाएं। अनिल तुम अपनी हद से बढ़कर बात कर रहे हो। याद रखो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, एक समझदार इंसान हूँ और अपनी भलाई और बुराई को अच्छे तरीके से समझती हूँ। लेकिन मम्मा हम लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकते ना। मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं, गाना मेरा बचपन का शौक और सपना था, सिर्फ पिताजी की वजह से मैंने IAS ज्वाइन की। आज मैं अपने सपने को मरने नहीं दूंगी, आज के बाद इस टॉपिक के ऊपर कोई बहस नहीं होगी, समझे? बस आजकल आपकी गायकी के बहुत चर्चे हैं शहर में। थैंक यू यार, शुक्रिया शुक्रिया। अरे भाई हो भी क्यों ना, आवाज भी तो इतनी अच्छी है। आप दोस्तों को पसंद है तो सारी दुनिया को पसंद आएगी। जब हमारी दोस्त इतनी अच्छी गायकी प्रस्तुत करेगी तो अनुभव तो खुद ब खुद हो जाएगा। नहीं, गाना गाना या कोई भी आर्ट परफॉर्म करना कोई बुरी बात नहीं होती है, लेकिन इसके लिए प्लेटफॉर्म का सिलेक्शन जरूरी है। देखो मेरे पति इस शहर के डिस्ट्रिक्ट जज हैं और वो मुझे इस तरह की आम सभा में परफॉर्म करने की आज्ञा बिल्कुल नहीं देंगे। अर्चना ना तो तू गायिका है और ना ही तू DM है। इसीलिए तो कह रही हूँ, जिला अधिकारियों के कुछ बंधन और कुछ कर्तव्य होते हैं, और जज साहब भी कह रहे थे कि पत्रकार इस विषय में बहुत चर्चा करते हैं लेकिन सामने कहने से डरते हैं। मीन साहब आपके रेजिडेंस ऑफिस में लखनऊ से फोन है। अच्छा मैं अभी आती हूँ, प्लीज एक्सक्यूज मी। अच्छा हम लोग भी चलते हैं। अरे बैठते ना। नहीं बस नेक्स्ट संडे को मिलते हैं। ओके चलिए। मैं गाऊंगी, मैं अपने बचपन के शौक को मरने नहीं दूंगी, मैं गाऊंगी, मैं गाऊंगी, मैं लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाऊंगी। मैडम आप तो
गलत लाइन में आ गई हैं। आपको तो सिंगर होना चाहिए था, वो भी फिल्मों में। कल तो आपने अपनी आवाज से स्टेज को ली। यही कि आप एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, आपको लोगों की भलाई और अपने डिस्ट्रिक्ट की उन्नति के बारे में सोचना चाहिए। मेरे पति इस शहर के डिस्ट्रिक्ट जज हैं और वो मुझे इस तरह की आम सभा में परफॉर्म करने की आज्ञा बिल्कुल नहीं देंगे। लेकिन मम्मा, हम लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकते ना। नहीं नहीं, मुझे सोचना होगा, मुझे सोचना होगा। मैं कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रही? मुझे आज ही सोचना होगा, मुझे फैसला लेना होगा, आज ही फैसला लेना होगा कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। आंटी आप गाना मत छोड़िए, हमें आप बहुत अच्छी लगती हैं। हैप्पी बर्थडे आंटी। हैप्पी बर्थडे आंटी। आंटी जी जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू बेटा, लवली फ्लावर्स जस्ट लाइक यू। हम तो आपसे कब से मिलना चाह रहे थे। आंटी जी आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू बच्चा। हैप्पी बर्थडे आंटी। आप अपना गाना मत छोड़िए, हमको आपका गाना बहुत पसंद है। लेकिन नियम आंटी, आप हमारे लिए हमारे स्कूल में तो गाएंगी ना, नहीं तो हम अपने स्कूल के फंक्शन में नहीं जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते बच्चा। आपको जाना है स्कूल के फंक्शन में और पार्टिसिपेट भी करना है। मैं भी आऊँगी, ज़रूर गाऊँगी आपके स्कूल में, क्यों नहीं गाऊँगी। आंटी आप हमसे प्रॉमिस कीजिए कि आप हमारे फंक्शन में आएंगी और हमारे साथ गाएंगी। मैं ज़रूर गाऊंगी बच्चों, मैं आपके लिए ज़रूर गाऊंगी। आप बहुत अच्छे, मैं अपने बच्चों के लिए ज़रूर गाऊंगी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों के लिए गा के बच्चों। मैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए ज़रूर गाऊंगी। मैडम जी नमस्कार। अरे जीवनलाल वहीं ठहरो। अर्दली इस चापलूस आदमी को बंगले से इसी वक्त बाहर निकालो और जो इसके हाथ में फाइल है उसको लेकर फाड़ डालो। और आइंदा याद रखना कि ये आदमी कभी भी बंगले में दाखिल ना हो पाए। चमनलाल गेट आउट ऑफ द हाउस राइट नाउ। मेरा फैसला है कि मैं गाऊंगी और ज़रूर गाऊंगी। अपने बच्चों के लिए गाऊंगी, अपने परिवार के लिए गाऊंगी। उन लोगों के लिए कभी नहीं गाऊंगी जो कि मतलबी और चापलूस हैं।